एक नामांकन यदि संग्रह्य मैं आचार्य पवन कुमार शुक्ल, प्राचार्य शास्त्रार्थ महाविद्यालय। ये प्रतिवर्ष शास्त्रार्थ महाविद्यालय के स्थापना उत्सव पर संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन होता रहा है। देश में सबसे अनोखा क्रिकेट मैच ये कहा जा सकता है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे ट्रैक सूट में नहीं, अपने पारंपरिक गणवेश धोती कुर्ता में है। लंबी लंबी चुटियाधारी तिलकधारी बच्चे वेद पाठ मंत्रों के साथ में वो क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं। और पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसकी प्रशंसा की तो इससे हमारा उत्साहवर्धन भी बढ़ा है। इस बार G20 का आयोजन हमारे देश में हो रहा है तो हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि हम G20 को भी अपने क्रिकेट के माध्यम से प्रचारित कर सकें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनुज कुमार तिवारी, दशा समेत का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट। हम ब्राह्मणों को जो है एक साल में एक अवसर हर साल मिल रहा है, जो है बच्चों को मिल रहा है प्रतिभा, अपना प्रतिभा दिखाने का। हम लोग को मिल रहा है अपने फिर से मैदान को याद करके जो है खुश हो रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अलग किस तरह का क्रिकेट है ये कंप्लीट जो है मतलब बटुकों द्वारा खेला हुआ क्रिकेट है जो है। और बटुक लोग को दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ शास्त्रार्थ में या उसमें नहीं, वेद पढ़ने में आगे नहीं है, वो मैदान में भी अपनी भूमिका दिखा सकते हैं अगर अवसर मिलेगा तो। जो है अभी ये तो क्या रहा, कोई नॉर्मल आदमी खेलने का धोती कुर्ता कोई नहीं खेल पाएगा, ये ब्राह्मण ही खेल सकता है एक जो है। मेरा नाम तरुण कुमार पांडे है और मैं शास्त्रार्थ महाविद्यालय की तरफ से खेल रहा हूँ जी। यह शास्त्रार्थ महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव है जिसके उपलक्ष्य में क्रिकेट आदि और प्रोग्राम को रखा गया है और संस्कृति को हमारे दर्शाया गया है। जैसे कि हम लोग संस्कृत के विद्यालय हैं इसलिए हम लोग अपनी वेशभूषा में ही रह के हम लोग अपना यह प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अलग क्या होता है बाकी क्रिकेट से इसमें बस ये है कि हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारे मतलब सब पूर्वजों के आशीर्वाद हैं इसमें।